नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद चल रहे सपा नेता आजम खान, बाहुबली बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी और गुजरात की जेल में बंद अहमद अतीक की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन तीनों से मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन उगाही मामले में पूछताछ करने वाली है। कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी इन तीनों से जेल में ही 20 सितंबर यानी आज से पूछताछ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ईडी की एक टीम सोमवार को सीतापुर जेल में बंद आजम खान से पूछताछ कर सकती है। ईडी 4 दिनों तक आजम खान, मुख्तार और अतीक से पूछताछ करने वाली है। बता दें कि इन तीनों के खिलाफ पीएमएल कानून के सेक्शन 50 के तहत केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इसी साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। वहीं अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद जेल में रखा गया है। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि इन तीनों नेताओं के खिलाफ पूर्व में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब ईडी को कोर्ट से इन तीनों नेताओं को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मिल गई है। इसके बाद ईडी की टीम जल्दी तीनों नेताओं से पूछताछ करना शुरू करेगी। यूपी के सपा नेता आजम खान पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर आजम खान ने किसानों की जमीनें हड़प ली। इसकी शिकायत किसानों ने राज्यपाल से की थी, जिसके बाद ये जांच शुरू की गई। वहीं मऊ से कई बार विधायक पद का चुनाव जीतने वाले मुख्तार अंसारी पर लगभग 49 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी, जमीन हड़पने जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा अतीक अहमद पर हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जाने जैसे मामले समेत लगभग 196 केस दर्ज हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।